सचिन रडार पे कौन सा? आशीष जी ऑलरेडी यहाँ पर लुपिन पे बात हो चुकी है, वो भी हमारे रेडार में था। इनफैक्ट हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रेकमेंड किया, बट मुझे लग रहा है यहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मा का भी स्ट्रक्चर काफी इंटरेस्टिंग है। काफी समय से एक पर्टिकुलर बैंड में स्टॉक ये ऑसिलेट कर रहा था, लगभग अराउंड 390-395 के आसपास एक रेजिस्टेंस था एंड 370 के आसपास सपोर्ट। तो मुझे लग रहा है ये जो बैंड है वो काफी मच्योर हो चुका है। जिस तरीके से इसके डेली चार्ट पे आरएसआई ने ब्रेकआउट दिया 50 के ऊपर एंड 400 के कॉल राइटर्स थोड़े से बैकफुट पे जा रहे हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छी अपमूव बन सकती है शॉर्ट कवरिंग करने से। तो लगभग अराउंड 415 से 425 के टारगेट्स के लिए यहाँ पर ग्लेनमार्क फार्मा में बाइंग करनी है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है लगभग अराउंड 90 के आसपास का फ्यूचर्स में एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है इंट्राडे के लिए से एटलीस्ट 415 की एक्सपेक्टेशन होगी। ज़ाइडस लाइफ लास्ट वीक की सस्ता सचिन ये सस्ता ऑप्शन पिक थी ना लास्ट वीक की? जी आशीष जी, इनफैक्ट 380 का कॉल ऑप्शन हमने रेकमेंड किया था लगभग अराउंड 15 के आसपास एंड 24 या 26 इस पर्टिकुलर रेंज के टारगेट्स दिए थे। वो पर्टिकुलर टारगेट्स आई थिंक ऑलमोस्ट हिट हो चुके हैं, तो 26 का ही अभी एक स्विंग हाई बना है। तो काफी अच्छे स्ट्रक्चर में है, ओवरऑल फार्मा पैक में काफी हलचल है एंड ये भी स्टॉक अपने एक काफी बड़े डाउन ट्रेंड से इमर्ज हो रहा था, एक कंसोलिडेशन के बाद का ब्रेकआउट था। सो काफी सिमिलर स्ट्रक्चर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ज़ाइडस लाइफ एंड आई थिंक ग्लेनमार्क की भी हमने चर्चा की है, ऑलमोस्ट वैसे ही स्ट्रक्चर है। वो 380 का कॉल ऑप्शन बढ़िया रिटर्न्स डिलीवर देके करके गया सचिन, एक बढ़िया से सस्ता ऑप्शन ट्रेड के साथ तैयार। सचिन क्या स्टॉक पिक है इस समय का? आशीष जी थोड़ा बैलेंस आउट करना चाहूंगा, मुझे लग रहा है यहाँ पर काफी सारे लॉन्ग पोजीशंस ऑलरेडी डिस्कस्ड है। यहाँ पर जो वीक काउंटर है वो मुझे लग रहा है टाइटन है एंड जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर रहा है पिछले दो हफ्तों से कहीं जाकर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के साइंस ही आ रहे हैं। 2600 का जो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो उसने ब्रेक किया था एंड वहां पर आके पुल बैक देने के बाद वापस एक नीचे का ही रुझान नजर आ रहा है। तो यहाँ पर 2600 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है जो लगभग 104 के आसपास फिलहाल ट्रेंड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 88 के आसपास का एंड इंट्राडे टारगेट होगा लगभग अराउंड 155 का। खरीदारी करनी है टाइटन के 2600 के पुट ऑप्शन में। 5106 के लेवल्स पे स्क्रीन पे आए, 88 के लेवल्स पे स्टॉप लॉस लगाइए। टाइटन वीक नजर आता है, कमजोर है और 2600 के पुट को खरीद के इस कमजोरी को बनाया जा सकता है। यह आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड। अच्छा सचिन जी के पास एक कॉल है, इनफैक्ट डायरेक्टर साहब इनको बता रहे हैं। सचिन बताइए पहले आपका ट्रेड क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। वीरेंद्र जी मुझे लग रहा है यहाँ पर फार्मा में ही ज्यादा फोकस रखना है एंड ज़ाइडस की हमने हमने वापस एक बार बात की थी लास्ट वीक भी, हमने यहाँ पर 380 का जो एक कॉल ऑप्शन दिया था वो अच्छा चल चुका है एंड जो फॉलो थ्रू एक्शन आ रही है 400 का जो बैरियर एक ब्रेक हो रहा है, तो मुझे लग रहा है 415 से 420 तक ये पर्टिकुलर रैली एक्सटेंड होनी चाहिए। तो अभी भी ज़ाइडस में एक पॉजिटिव ट्रैक्शन है एंड जिस तरीके से यहाँ पर बिल्ट अप है मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 388 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर अभी भी लॉन्ग पोजिशन डिप्लॉय की जा सकती है। थोड़ा सा अगर डिक्लाइन मिल जाता है 400 एंड 398 ये एक आइडियल जोन होगा जहाँ पर आपको स्टॉक अक्यूमुलेट करना है एंड ऑन द हायर साइड 420 के लक्ष्य के लिए ये पर्टिकुलर पोजिशन आपको कैरी फॉरवर्ड करनी है। ज़ाइडस आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें, ये सचिन ने अगर आप देखें अभी फिर कवर किया और इनफैक्ट सचिन का स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि फार्मा में अच्छे पैसे बनेंगे। आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा ज़ाइडस।